अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने एंट्स एंड देयर वेज, ये हमने 8th चैप्टर पढ़ा था, हाफ पढ़ा था, हाफ हमने ट्रांसलेशन पढ़ी थी और अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। हम जो हमारी ट्रांसलेशन रह गई है और प्लस एक्सरसाइज भी हम आज ख़त्म कर देंगे अपना चैप्टर। अब ये लेसन नंबर 8 का पार्ट 2 हम पढ़ने लगे हैं। हमने हमारे कितने पैराग्राफ हो गए थे, 1 2 3 4 पैराग्राफ हो गए थे और अब हमारा 5th पैराग्राफ है। ठीक है, थोड़ा सा लेसन छोटा सा है, इजी है और इसमें वर्ड्स मीनिंग भी इतने मुश्किल नहीं है, आप इजीली तैयार कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ ट्रांसलेशन। 5th पैराग्राफ है हमारा। मैनी ऑफ द आर्ट्स आर वर्कर, बहुत ज़्यादा जो आर्ट्स कहते हैं चूंगियों को, बहुत ज़्यादा जो चूंगियाँ हैं आर वर्कर्स, कारकुन भी होते हैं, मजदूर जो होते हैं कारकुन, काम करने वाले। देयर टास्क इज टू बिल्ड न्यू पैसेजेस, देयर टास्क उनका काम इज टू बिल्ड, तामीर करना है न्यू पैसेजेस, नए रास्ते, उनका काम नए रास्ते तामीर करना है। Sometimes they are busy in mending holes, mending मरम्मत करना holes सुराहों की। बाज़ुकात they are busy, वो मसरूफ रहती हैं in mending holes सुराहों की मरम्मत करने में। That have appeared, जो के appeared होता है जाहिर होना, जो के जाहिर होते हैं in the नेस्ट, जो के मस्कन में जाहिर हुए हुए होते हैं, जो सुराह बन जाते हैं ना चूंटियों के घरों में, वो उनकी मरम्मत करती हैं। All day सारा दिन they work वो काम करती हैं, busily digging out खोदने में। Bits of sand and soil, मिट्टी और रेत के जो जरात हैं एंड उनको निकालने में, डिगिंग आउट उनको खोद कर निकालना। एंड कैरिंग देम आउट ऑफ द नेस्ट, और उनके उनको बाहर मस्कन से बाहर फेंकती हैं। वो पूरा दिन वो यही काम करती रहती हैं कि सारा दिन रेत और मिट्टी के जरात खोद कर निकालती हैं और इनको मस्कन से बाहर निकालती हैं। When रेन वाटर, बारिश का पानी रीचेस, पहुंचता है देयर नर्स, उनके घोंसलों में। द वर्कर्स, जो कारकुन चूंटियां होती हैं, एंड द हंटर्स, और जो शिकारी चूंटियां होती हैं, ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू सेव द एग्स, वो अपनी भरपूर कोशिश करती हैं, जो कारकुन और शिकारी चूंटियां होती हैं वो अपनी भरपूर कोशिश करती हैं, ट्राई देयर लेवल बेस्ट, भरपूर कोशिश करती हैं टू सेव द एग्स, अंडों को महफूज रखने में, टू सेव द एग्स, सेव महफूज रखने में द एग्स, अंडों को। ठीक है, ये हमारा ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू सेव द एग्स, ये हमारा बन रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हमारा 6th पैराग्राफ है। A few kinds of ants are soldier, बहुत ज़्यादा जो होती हैं वो soldier, सिपाही चूंटियाँ होती हैं। Their duty is to protect the nest, उनकी ये ड्यूटी होती है, उनके ये काम होता है कि वो हिफाजत करें the nest, मस्कन की, from their enemies, दुश्मनों से। ठीक है, जो सिपाही हमारे जो सिपाही होते हैं उनका भी यही काम होता है कि दुश्मनों से हमारी हिफाजत करते हैं वो, और उनकी जो सिपाही चूंटियां होती हैं उनका भी यही काम होता है कि दुश्मनों से बाकी चूंटियों की हिफाजत करना और अपने मस्कन की हिफाजत करना। द सोल्जर आर्ट्स हैव स्ट्रॉन्ग जॉज, जो सोल्जर सिपाही चूंटियां होती हैं उनके जबड़े होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जॉज, स्ट्रॉन्ग जॉज, मजबूत जबड़े होते हैं। Some of the soldier, कुछ जो सिपाही आर्ट्स चूंटियां होती हैं स्टैंड एट द गेट्स, गेट पे खड़ी हो जाती हैं ऑफ द नेस्ट, मस्कन के
दरवाजे पर वो खड़ी हो जाती हैं टू कीप एन आई ऑन स्ट्रेंजर्स और एनिमीज, अजनबियों और दुश्मनों पर नजर रखने के लिए उनको गेट पर खड़ा कर देते हैं। स्ट्रेंजर और अजनबी, अगर कोई अजनबी छोटी इवन द सेम काइंड, जो उनकी उनकी तरह की ही हो, लेकिन उनकी तरह की हो लेकिन अजनबी हो, इज नॉट अलाउड टू एंटर द नेस्ट, वो से उसको इजाजत नहीं देती कि वो मस्कर के अंदर जाए। देयर स्मेलिंग पावर इज वेरी शार्प, उनकी जो सूंघने की जो ताकत होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, शार्प होती है, तेज होती है। इफ अ स्ट्रेंजर कम्स टू द नेस्ट, अगर कोई जो अजनबी चूंटी आ जाती है उनके मस्कन में, दे एट वंस कम टू नो बाय द स्मेल, वो उसे पहचान लेते हैं। दे एट वंस कम टू नो बाय द स्मेल, वो उसे बू से ये पहचान लेते हैं दैट इट इज अ स्ट्रेंजर, के वो अजनबी है। उनके सूंघने की स्मेल इतनी शार्प होती है कि वो जब कोई आ जाए ना उनके मस्कन में तो वो उसे अपनी स्मेल करके ही पहचान लेते हैं कि ये स्ट्रेंजर है, ये कोई अजनबी है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट ऑल द आर्ट्स ऑफ द सेम नेस्ट, ये जानना दिलचस्प होगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो, ये जानना दिलचस्प होगा कि एक ही मस्कन की सेम नेस्ट हैव द सेम स्मेल, जो एक मस्कन में, जो एक घर में रहती हैं चूटियां, उनकी स्मेल अपनी है, अलग है, और जो दूसरे मस्कन की हैं उनकी स्मेल अपनी है, ठीक है, डिफरेंट स्मेल्स है वो, तो इसलिए फिर वो उन्हें पता चल जाता है कि ये स्ट्रेंजर है। दे ड्राइव द स्ट्रेंजर अवे, वो अजनबी को भगा देती हैं, दे ड्राइव वो भगा देती हैं द स्ट्रेंजर अवे, वहां से भगा देती हैं और की लेडियां उसे मार देती हैं। दे इवन बाइट द स्ट्रेंजर, वो उसे काटती भी हैं, बाइट करना, काटना, वो उसे काटती भी हैं। एंड द एनिमीज विद देयर स्ट्रॉन्ग जॉज, और अपने मजबूत जो उनके जो जबड़े होते हैं उससे वो उसे उन्हें काटती भी हैं अपने दुश्मनों को, ठीक है। देयर इज ऑलवेज प्लेंटी ऑफ वर्क, उनके पास बहुत ज्यादा काम होता है, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा काम होता है करने के लिए। इन आर्ट्स नेस्ट एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ हार्ड वर्किंग आर्ट्स अपॉइंटेड फॉरिंग, और जो सही मेहनती चूटियां होती हैं वो इस काम के लिए मुकर्रर की जाती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा काम होता है करने के लिए, तो जो सही मेहनती जो चूटियां होती हैं उनको इस काम के लिए मुकर्रर किया जाता है, ठीक है। द आर्ट्स नर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिविंग टूगेदर यूनाइटेड एंड पीसफुली, जो चोटियों का घर है ये हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है अगठे और अमन से रहने की, ठीक है, यूनाइटेड अगठे एंड पीसफुली अमन से रहने की, और अगठे रहने और अमन से रहने की एक बहुत अच्छी मिसाल है। अब आपके आ गया एक्सरसाइज, आपके आ गया क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन आंसर तो हो गए हैं, अब आपके आ जाएंगे सेंटेंसेस, सेंटेंसेस मैं बोलती जाऊँ तो आपने अपनी कॉपी अपनी बुक में साथ ही लिखते जाना है, साथ एक कॉपी रख लें, पेंसिल रख लें, और आपने साथ साथ जो मैं सेंटेंसेस बोलूँगी ना वो आपने लिखने हैं, ठीक है। टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठे रहना, वी शुड वर्क टुगेदर, हमें इकट्ठे काम करना चाहिए, वी शुड वर्क टुगेदर। कुकुन्स होते हैं अंडे और होल या जिसमें रहती हैं, अच्छा जी। द इंसेक्ट केम आउट फ्रॉम द कुकुन्स, जो इंसेक्ट हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, हशरात होते हैं, ये आते हैं अंडों से बाहर निकलते हैं। लुक फॉर तलाश करना, द आर्ट्स लुक फॉर फूड एवरी टाइम,
चूंटियां हर वक्त खुराक तलाश करती हैं। द आंट्स लुक फॉर फूड एवरी टाइम। हंटिंग हंटिंग होता है शिकार करना। द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग। द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग। बादशाह को शिकार का फॉन्ड FOND फॉन्ड ऑफ हंटिंग। डिगिंग जमीन खोदना। द फार्मर वॉज डिगिंग ऑफ द सॉइल। किसान मिट्टी खोद रहा था। द फार्मर वॉज डिगिंग अप द सॉइल। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट होता है हिफाजत करना। द सोल्जर आर्ट्स प्रोटेक्ट द होल नेस्ट। सिपाही चूंटियां पूरे मस्कन की हिफाजत करती हैं। सिपाही हिफाजत करते हैं हमारी भी, तो इनकी जो सिपाही चूंटियां हैं वो हिफाजत करती हैं। स्ट्रेंजर होता है अजनबी। I cannot trust any stranger. हमें वैसे भी किसी पे, किसी भी stranger, किसी अजनबी पे trust नहीं करना चाहिए। I can't trust any stranger. मैं किसी अजनबी पे एतबार नहीं करती। Plenty ज़्यादा वहाँ पर। सलमान has plenty of work to do. सलमान के पास करने के लिए बहुत ज़्यादा काम है। अब हमारे आगे filling the blanks sentences हमारे हो गए हैं। Filling the blanks देखें। There are former aunts who grow on rice. जो किसान जो होते हैं वो वैसे भी खेतों में काम करते हैं, उगाते हैं फसलें, तो जो जो फार्मर aunts होते हैं वो राइस उगाती हैं। Every aunt has its own work to do. Has its own work to do. Some of the aunts search for food. Some of the aunts search आएगा लिखें for food. The hunting ants can carry honey and other sweet thing in their bodies. All the worker ants have to be fed by the hunting ants. All the ants in the nest seems to have the same smell. उनकी एक जैसी smell होती है। The सोल्जर आंट प्रोटेक्ट द नेस्ट फ्रॉम एनिमीज। वो हिफाजत करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं दूसरी चूंटियों की दुश्मनों से। द सोल्जर आंट्स ड्राइव द स्ट्रेंजर आंट अवे। आगे रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये वर्ड्स आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, इनको हमने सही तरतीब से लिखना है। फैमिलीज इन They live in families. For hunt food, aunts hunt for food. आगे थर्ड है गेट सम स्टैंड एट सोल्जर ऑफ द। इसका सही तरह से ऐसे होगा, सम ऑफ द सोल्जर स्टैंड एट द गेट्स। फोर्थ है अवे ड्राइव द स्ट्रेंजर आंट दे ड्राइव द स्ट्रेंजर आंट अवे। मैनी न्यू ऑफ द आंट्स वर्क एट मेकिंग पैसेजेस। मैनी ऑफ द आंट्स वर्क एट मेकिंग न्यू पैसेजेस। ये भी आपका हो गया। अब सी है हमारा इन सर्कल का करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग ये आपने इंटरेस्टिंग ये जो ए वाला है ये आपका करेक्ट है। सेकंड देखें क्रिमिनल्स के से है, सेकंड वाला क्रिमिनल्स सही है, सी वाला भी गलत है। अच्छा ए जनरल भी ये आपका फर्स्ट वाला ए वाला आपका होगा। फोर्थ है स्लोगर्स सोल्जर्स ये सेकंड वाला है सो एल डी आई आर। फिफ्थ है आपका रनिंग ये फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन होगा आपका रनिंग। या आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं और कि आपकी एक्टिविटी जो आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे रह गए थे ब्लॉक्स में, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द सोल्जर आंट्स हाउ डू दे डील विद द स्ट्रेंजर आंट। ठीक है, ये आपके हो गए हैं, एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है। अब आपने पूरा चैप्टर भी तैयार करना है और साथ में जो ब्लॉक्स वाले
क्वेश्चन है उनके आंसर भी ढूंढने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।